टीवी चैनल लगा हुआ था और उसके ऊपर वो जो उसकी न्यूज़ कास्टर थी बड़ा चीख चीख के वो इस बात पे जज्बाती हो रही थी कि देखें कोरोना इतना फैल गया है, लोगों को एहसास नहीं है, लोग किस कदर जहालत है, देखें मास्क पहनते नहीं हैं, सोशल डिस्टेंस करते नहीं हैं, आपको कब समझ आएगी, जब आप मर जाएंगे तब समझ, इस तरह की बातें। लेकिन मैं हंस रहा था देख के कि वो अपने साथ की जो एंकर है उसके साथ बिल्कुल जुड़ के बैठी हुई थी, ना सोशल डिस्टेंस किया हुआ था ना मास्क पहना हुआ था। तो हमारे असल में कॉल ऑफ एल में बड़ा तजाद है, हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है, वो अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी है। अंडरस्टैंडिंग हमारा यकीन की हद तक हमारे पास किसी चीज़ पे, ईमान की हद तक हम बिलीव नहीं करते चीज़ पर। और उसकी वजह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें जो मालूमात दी जाती हैं उनके उनमें भी बददयानती का आंसर शामिल होता है। अब हमारे शेरदिल वज़ीर आज़म वो पूरी मुल्क को और दुनिया को पैगाम देते रहे मास्क करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन खुद भी वो अक्सर जगहों पर बगैर मास्क के नज़र आते थे। वैक्सीन लगवाई लेकिन उनको भी कोरोना हो गया। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिजोमान में रखे। देखिए इसकी वजूहात क्या है, मैं जो कहता हूँ असल में मैं वो करता नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे सही तरह वो बात बताई समझाई ही नहीं गई, मुझे सही इलम दिया ही नहीं गया। अगर मेरा बिलीव हो तो मेरा अमल मेरे अकवाल से भी कहीं ज़्यादा हो। नारा है कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। बुनियादी तौर पर यह नारा ही गलत है। अगर हम साइंटिफिकली, अगर हम सही मानों में इसको डिस्कस करें, ना आप कोरोना से लड़ सकते हैं और ना आपको उसे डरना चाहिए। ये नेचर के अगेंस्ट है। आप कैसे लड़ सकते हैं मुझे बताइए। अच्छा, जो हमारा जो अमल है वो उसके ख़िलाफ़ है, उसके अगेंस्ट है। कहते लड़ना, डरना नहीं, क्या है डरना नहीं, लड़ना है। तो क्या हम लड़ रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि यार घर में छुप के बैठ जाओ, पार्क में ना निकलो, मुँह को कवर करके रखो, हाथ को दौड़। अब हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो डराने वाली सारी कि इससे डरो, लेकिन कहते हैं कि हमें डरना नहीं, लड़ना है। लेकिन ना इससे हम लड़ सकते हैं और ना हम इससे लड़ इसलिए नहीं सकते कि इस पूरा ज़मीन के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मकदार में है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा नंबर स्ट्रेंथ के अंदर है, वो वायरस है। वायरस अल्लाह ताला की एक ऐसी तख्लीक है, एक ऐसी मखलूक है अल्लाह की कि जो दरमियान में है जानवरों और बेजानों के। आज तक साइंस इस बात पे कंफ्यूज्ड है, पूरी दुनिया के साइंसदान दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा कहता है कि यह जानदार है, दूसरा हिस्सा कहता है नहीं जानदार नहीं बेजान। आज तक हम यही क्लियर नहीं कर सके यह जानदार या बेजान। इसमें जानदार वाली भी खसूसियात है, बेजानों वाली भी खसूसियात है। इतने ज़्यादा हैं कि एक मैं जो सांस लेता हूँ, एक सांस के थ्रू करोड़ों अरबों वायरस मेरे अंदर जाते हैं, हर जगह के ऊपर है। और साइज़ इतना छोटा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, एक मिलीमीटर का करोड़वा हिस्सा होगा वायरस। हम सोच भी नहीं सकते, हम उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते इसका साइज़ का, कैसे उससे आप लड़ेंगे। और फिर क्या वो यह हिस्सा नहीं है इस दुनिया का। आप जब इंसान इस ज़मीन में आया तो उससे पहले से थे, तो हम एलियन हैं यहाँ पे, हम बाद में आए, हमने कब्जा किया ज़मीन के ऊपर। अगर वायरस बैक्टेरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमसे कहीं करोड़ों अरबों साल पहले से यहाँ पे अवेलेबल थे, तो आप कैसे उनके साथ लड़ेंगे। ये इस अगर किसी ने थोड़ी सी ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये जो इस तरह की इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं, अगर थोड़ी सी उसने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हो, थोड़ी सी वायरोलॉजी पढ़ी हो, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा पढ़ा हो, तो वो उसको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस इकोसिस्टम होता है ना, एक निज़ाम है, ये उस निज़ाम का हिस्सा है। इसके बगैर ये निज़ाम इनकम्प्लीट है। आप वायरसेस ख़त्म करते हैं शायद ये निज़ाम भी ना चले। जिसने बनाया, जिसने तख्लीक किया हर चीज़, उसने एक मकसद के तहत की है। तो ये कहना कि ये बुरे हैं, इनको ख़त्म कर दो, इनके साथ लड़ो मरो, हम नहीं लड़ सकते। और डरना क्यों नहीं चाहिए हमें इनसे? डरना इसलिए चाहिए कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमारे लिए तो ये दुनिया तख्लीक की गई है, हम अल्लाह के नायब हैं, तो हम अशरफुल मखलूकात होकर उनसे क्यों डरें। तो सर ना लड़ना है और ना डरना है, वायरस से बचना है। उससे कैसे बचना है? अंडरस्टैंड करके बचना है। उसकी भी इज्जत कीजिए और अपनी इज्जत करवाइए। सिंपल ये इंसान ने कुछ 100-150 साल पहले हथियार उठाया, एक आज साबित हो गया है ये स्टूपिड कॉन्सेप्ट था कि जिसके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे होते हैं, ये वायरस बैक्टीरिया हमें जो नज़र नहीं आते जानता, ये बुरे होते हैं और उनके ख़िलाफ़ ये जर्म थ्योरी उसको कहते हैं। जर्म थ्योरी फैलाई गई और उसके ऊपर इंडस्ट्रियाँ खड़ी हो गई और उन्होंने अरबों खरबों डॉलर्स कमा लिए
इस चीज़ के ऊपर कि ये जरासीम बुरे होते हैं, हर दफा आपके दिमागों में ये डाला गया जरासीम बुरे होते हैं इसको मार दो, जरासीम बुरे होते हैं इसको मार दो। आज ये साबित हो रहा है ये बुरे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इस इको सिस्टम का हिस्सा है, इस निज़ाम का, इस कायनात का हिस्सा है, ये इनके फ़ायदे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करके हमने चलना है, इसके अगेंस्ट नहीं चलना, बल्कि वो जो हम नेचर से हट के जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनसे अवॉइड करना है। ये वायरस आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको पता कितनी कितने इनकी हैं, कितनी तादाद में है, कितनी वराइटियाँ हैं वायरसेस की, ये करोड़ों में है सर, करोड़ों के अंदर हैं, इनकी इकसाम की बात कर रहा हूँ, और आगे एक एक किस्म के अंदर कितने हैं वो भी अंदाजा लगा दिया। आप किस किस से बचेंगे फिर ये मुझे बताएंगे? अच्छा ये कोरोना आ गया, आप इसके साथ मास्क पहन लें, हैंड सैनिटाइज कर लें, आप बचें, ठीक है आप बच गए। इससे पहले डेंगू था, आप पानी खड़ा ना होने दें, आप जिसमें जो मॉस्किल मर लें, आप जनाब बाहर ना निकलें, उस दूसरे बचें। एड्स है वो भी वायरस था, उसका बचने का एक अपनी एहतियातें वो की जाती थी एड्स से, इस तरह से आप बचें। हेपेटाइटिस है वो आप बचें, आप जनाब टीका ना लगवाएं, आप ये काम करें, एड्स और सारे ये सारे वायरस की बीमारियाँ हैं, इनसे आप कितनी की एहतियात कर लेंगे? ये तो चंद एक वायरसेस की बात की ना, वो तो करोड़ों में है, वो छः महीने बाद एक और आ जाएगा, साल बाद एक और आ जाएगा, पाँच साल बाद और आएगा, फिर तो आपका तो यहाँ सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सर हम अशरफुल मखलूकात हैं सर, तशरीफ रखिए आप प्लीज़। अच्छा भाई तशरीफ रखें, फिर तशरीफ रखें, आ जाए आ जाए प्लीज़ आगे, तो हमने अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है, हमने हमेशा ये बात की कोशिश की है कि हम समझें, अंडरस्टैंड करें, और अपना अगर हम किबला दुरुस्त कर लें तो हम वायरसेस से हमें डरना नहीं पड़ेगा, ये हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि अगर अगेन टाइम का इशू है और चीज़ें होती हैं, अदरवाइज मैं अगर इनको फ़ायदे आपको गिनवाने शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएं कि इनके कितने फ़ायदे हैं इन वायरसेस के। एनी हो, हमने जो बात की है सेहतें दो तरह की होती हैं, हमने हमेशा एजुकेट करने की कोशिश की, हम दो चीज़ों से, मैं ये नहीं कहता, हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये SOPs बुरे हैं, हम इसको एडवोकेट करते रहे हैं, हमेशा हम इसके ऊपर SOPs की बात की है। आप मास्क भी पहनिए, आप सोशल डिस्टेंस भी कीजिए, आप अपने हाथ भी धोइए, आप चाहें तो वैक्सीन भी लगाइए, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि ये वाहिद हल ये तीन चीज़ें हैं तो ये झूठ है, इस पर इख्तलाफ है। इनका किरदार 5-10% है, हम उसको मानते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि सारा इन्हसार इसके ऊपर है, बनाने वाले से शायद कोई कमी रहेगी, कि आज एक वायरस आ गया उसको पता नहीं था कि 2020 में वायरस आना था, लिहाजा हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसमें कुछ भी नहीं दिया, और ये कंपनीज़ को पता है जिन्होंने वैक्सीन बनानी है कि इसकी वैक्सीन लगेगी तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो हमें नहीं रह सकते, तो ऐसी बात नहीं है। हमने ये कहा कि तीन सेहतें हैं, फिजिकल हेल्थ, हमारी इम्यून हेल्थ, हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ। हम आम तौर पे लोगों की परसेप्शन ये है कि जो नज़र आता है बंदा ये सेहत है, अगर सेहतमंद नज़र आ रहा है, फिजिकली फिट है तो सेहतमंद है, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हेल्थ है वो हमारी इम्यून सिस्टम है। इन वायरसेस को डील करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक डेडिकेटेड डिटेल्ड एक्सीलेंट किस्म का इम्यून सिस्टम दिया हुआ है। इम्यून सिस्टम के हर कॉम्पोनेंट के अंदर हम बहुत डिटेल में बात करें, कि वीडियो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, मैं बहुत मुख्तर आपसे डिस्कस करूँगा, डिस्कस इसलिए करूँगा कि ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें हम कर लेंगे हम इससे बचेंगे, इंशाल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी वो ताकत जो बीमारियों से, वायरसेस से, फंगस से लड़ती है, जो हमें महफूज रखती है। इम्यून सिस्टम की तीन लाइंस होती हैं। फर्स्ट है सरफेस बैरियर, हमें कहा जाता है कि मास्क लगाओ नहीं बचोगे, अल्लाह ताला ने हमें मास्क से ज़्यादा बेहतर ये नाक का निज़ाम दिया हुआ है, जिसके अंदर पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो हर आने वाली एयर को फिल्ट्रेट करता है और आगे जाने देता है, वायरस फंगसेस बैक्टीरियाज को आगे जाने नहीं देता। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी, नेजल ब्रीदिंग करनी, ब्रीदिंग सीखनी है उसके लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम प्रोटेक्टेड हैं, अगर वायरस फंगस यहाँ से गुजर के आगे लंग्स में चला जाएगा तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम, जो असल इम्यून सिस्टम, वो इनेट इम्यून सिस्टम है। और तीसरा जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, जो वैक्सीन है वो अडॉप्टिव सिस्टम में काम करती है। आपको यही कहा गया कि वैक्सीन लगवाओ, वो इम्यून सिस्टम की तीसरी लेयर है जिसके ऊपर काम करती है, लेकिन जो दरमियानी है, दूसरी है इनेट इम्यून सिस्टम, जिसकी अपनी फौजें हैं, आपसे डिस्कस किया था 50 के करीब अफवाज हैं हमारे इनेट इम्यून सिस्टम के पास, और वो सेकंड्स में एक्टिवेट होता है।
जो वैक्सीन वाली इम्यूनिटी है ये 4 से 6 हफ्ते लेती है, ये हफ्तों के बाद जाके डेवलप होती है। जो इनेट इम्यून सिस्टम है जिसमें फौजें हैं जो जाती हैं और वायरस को किल कर देती हैं, वो तो सेकंड्स में एक्टिवेट हो जाता है। इधर वायरस आपके बॉडी में गया, इधर फौजें एक्टिवेट हो गई, और हमने डिटेल में बात की हुई है कि किस तरह जाके हमला करती हैं और किस तरह जाके इन वायरसेस को किल करती हैं। इनेट इम्यून सिस्टम का एक हथियार इंटरफेरोन है, जो खास तौर पे हमारे जिस्म में एक ऐसा केमिकल बनता है, एक ऐसी दवाई बनती है जो सिर्फ वायरसेस के लिए है। और उसके लिए बॉडी का जब बुखार होता है टेम्परेचर हाई होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है इंटरफेरोन मेडिसिन हमारी बॉडी में सिक्रेट होती है और जाके वायरसेस को किल कर देती है। हमने इसके हवाले से डिटेल में बात की थी कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक्सीलेंट मेडिसिन इन वायरसेस के रेफरेंस से। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी चीज़ है जो 3 तरीकों से हमें प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ अगर हम कोरोना या वायरस की ही बात करें। कैसे करती है? अगर वायरस जिस्म में चला गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड वायरस को किल करती है, अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन होगी, उसके फेफड़े ख़राब हो गए, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी गैस है जो फेफड़ों को खोलती है, फेफड़ों को रिलैक्स करती है। अगर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, खून में क्लॉटिंग बनना शुरू होगी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इस क्लॉटिंग के अमल को रोकती है, खून को फ्रेश रखती है। मिलती कहाँ से है? इस एक्सरसाइज से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मिलती है। हमारे नाक में बनती है, हमारे खून की जो नालियाँ हैं, खून की नालियों के अंदर जो ब्रीक लेयर है वहाँ पर बनती है, कोई और ज़रिया नहीं उसका। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, नेजल ब्रीदिंग, नाक की एक्सरसाइज कीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जिस्म में इतनी बन जाएगी कि जो आपको एक दिन के लिए या सर्टन टाइम के लिए आपको बिल्कुल वायरस से उनसे प्रोटेक्ट करेगी। ये बातें नहीं बताई जाती, बदकिस्मती इस बात की, ये प्रोटेक्शन जो कुदरत दी है ये नहीं डिस्कस की जाती। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज का टॉपिक है, ये बाकी चीज़ें पहले करते आए हैं, अगर आपकी इंटरेस्ट है आप हमारा ज़ाहरा ये जो बागे जनाह का यूट्यूब चैनल है या जो पाकिस्तान के उसके ऊपर जाइए, सारी टॉक्स जो हमने एक एक पॉइंट को के ऊपर पूरी टॉक की हुई है वो वहाँ पे अवेलेबल, आप जाके पूरी उसकी साइंस उस फिलोसफी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम कहते हैं ना फिजिकल हेल्थ, इम्यून हेल्थ, और तीसरी मेटाबॉलिक हेल्थ। आज मैं आपसे मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर थोड़ी बात करूँ। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या? ये अंदर की से, ये इंजन है हमारा, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक हमारा बॉडी का इंजन है, ये इंजन की सेहत जो है ना ये मेटाबॉलिक हेल्थ है। बदकिस्मती से मेटाबॉलिक हेल्थ बैडली डैमेज, जो क्राइसिस है दुनिया में वो मेटाबॉलिक हेल्थ का क्राइसिस है। मेटाबॉलिकली अनहेल्दी बंदे को ही ये कोरोना वायरस इफेक्ट करता है और उसी में कॉम्प्लिकेशन होती है, और जो डेथ हुई है वो उन्हीं लोगों की। आपसे एक इंटरेस्टिंग मैं खबर शेयर करूं, शायद आपने सुना भी हो, सौरव गंगोली इंडिया की टीम का कप्तान, फिट आदमी, 48 साल उम्र है, एक्सरसाइज कर रहा था, गिर गया और हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला हार्ट अटैक हो गया। जब उसकी एंजियोग्राफी की गई तो देखा जी 3 खून की नालियां बंद, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, एक्सरसाइज भी करता है, देखने में फिजिकली देखने में फिट है, खूबसूरत है, लेकिन क्या है पता नहीं है, क्योंकि उसको उसने उसी को सही समझ लिया, ये अंदर मेटाबॉलिकली उसके अंदर क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं था। तो इसलिए हमें नहीं पता होता कि हम मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, और ये जितनी भी आज के दौर की बीमारियाँ हैं इनको लाइफस्टाइल बीमारियाँ भी कहा जाता है, इनको मेटाबॉलिक इलनेसेस भी कहा जाता है, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहा जाता है, इनको इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइज्ड दुनिया की जो बीमारियाँ वो भी कहा जाता है, जिसके अंदर हार्ट अटैक है, जिसके अंदर फालेज है, जिसमें कैंसर है, जिसके अंदर शुगर है, और जिसके अंदर मैं कहूँगा ये कोरोना वायरस भी है। ये बीमारियाँ मेटाबॉलिक हेल्थ की असल में बीमारियाँ हैं, जो बात हम लोगों को नहीं बताई जाती, जिन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो समझाने की ज़रूरत है, वो ये गुफ्तगू है, वो ये चीज़ें। मेटाबॉलिकली आप हेल्दी हैं, आप हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, मोटापे से, फालज से, कैंसर से, और ये वायरसेस की बीमारियों से बिल्कुल बचे रहेंगे। मेटाबॉलिक हेल्थ जानना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं आप खर्चा कर सकते हैं, आप दिल का एक्सरे करवा के देख लीजिए। दिल का एक्सरे तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये की रोम, 16 हज़ार रुपये में जो बाहर है वो 34 हज़ार में होता है, PIC से करवाएं 16 हज़ार रुपये का, 20-25 आप एवरेज लगा लें। अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने दिल का एक्सरे करवा के दीजिए, पता चलेगा कि दिल की नालियों की सूरत हाल क्या है, वो 10 साल आने वाले 10 साल को प्रोडिक्ट कर देती है कि आपको हार्ट अटैक होना या नहीं होना। अगर आप नहीं खर्चा करना इतना करना चाहते आप अपने बुनियादी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, शुगर का टेस्ट करवाइए, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए तो आपको अंदाज़ा, विटामिन डी का टेस्ट करवाइए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ये मेटाबॉलिक हेल्थ। आप इतना खर्चा भी नहीं करना चाहते
आप कुछ भी ना कीजिए, आप खड़े होके, सीधे खड़े होके अपनी गर्दन सीधा करके नीचे तरफ देख लीजिए। अगर तो पेट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब मेटाबॉलिक हेल्थ है। अगर आपको अपने घुटने नज़र आ रहे हैं या पाँव के अंगूठा नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि मेटाबॉलिक हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक है। ये बहुत एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये है। पेट निकला होना, ये पेट बाहर की तरफ निकला होना हमारी जो इंजन की खराबी की या निशानी है। बहुत सिंपल, गाड़ी का इंजन है, क्या इंजन ख़राब हो रहा है, क्या निशानी सर पता चलती है? कैसे पता चलता है इंजन ख़राब होना शुरू हो गया? धुआं देती है। एक्सीलेंट, गाड़ी का जैसे ही काला धुआं निकलना शुरू होता है तो गाड़ी के मालिक की जान मुट्ठी में आ जाती है, यार इंजन ख़राब हो गया, निशानी है ना जी। तो ये समझें कि जैसे धुआं देना उसके इंजन की खराबी है, हमारे इंजन की खराबी है पेट में। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक रिसर्च कीजिएगा, एक मेरे कहने पे स्टडी करें आप। आप आज का दिन या कल का दिन, आज तो हॉलीडे है, संडे है, कल वर्किंग डे होगा, आप एक काम कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक अपने पास एक पेज ले लें, एक सफ़ा ले लें, एक पेन ले लें और अपनी जेब में डालें। उस सफ़े में दरमियान में एक लकीर लगा लीजिए, एक पे लिख लें, एक साइड पे लिखें पेट वाले और एक साइड पे लिखें बगैर पेट। आपको जो भी बंदा नज़र आए 35 साल से ज़्यादा उम्र का, बंदा हो या औरत हो, आप एक नज़र देख के, और अगर तो वो पेट वाला है, पेट निकला हुआ बाहर, मोटा है, तो आप पेट वाले साइड पे लिख लीजिए एक, और अगर वो स्लिम है तो आप दूसरी साइड पे एक लिख लीजिए। दिन में कितने, कम से कम 100-200 लोगों को तो आप देखेंगे ना, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, 100-200 लोगों से तो आपका इंटरेक्शन होगा, तो आप उनका सारे हर बंदे का कॉन्शियसली देख के लिखते रहें, और शाम को आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे बताइएगा कि 100 में से कितने लोग आपको निकले पेट वाले और मोटे नज़र आए और कितने लोग स्लिम नज़र आए। आपके ख्याल में कितने लोग होंगे जो स्मार्ट और स्लिम होंगे, जिनका पेट ही निकला होगा, 35 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग? 3-4% 2-4-5 मैक्सिमम 5%। हाँ, मैक्सिमम आप अंदाज़ा लगाइए, ये 5% ही हैं जो सेहतमंद हैं। ये जो 95% जिसका हल्का सा भी पेट बाहर निकला हुआ है, या ओवर वेट है, ओबीज है, औरत है, मोटी है, वो समझे मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो चुका है। मेटाबॉलिक ये लाइफस्टाइल बीमारी है, इसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, इसको सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को फौरी तौर के ऊपर बदलना होगा। लाइफस्टाइल में बहुत सी चीज़ें आती हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक्सरसाइज का एलिमेंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर स्लीप आती है, रात की पूरी नींद, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डाइट का एलिमेंट, हम खाते क्या हैं। अब तक मैं भी आपको ये बताता आ रहा हूँ, और जितनी भी लोग जो फिलोसफर सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो आपको एक कंपोनेंट बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितना खाना है, खाने के मुतालिक कितना खाना है ये बताते हैं ना, और क्या खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, इसका किरदार डाइट के अगर हम देखें तो 40% है। कितना खाना है और क्या खाना है, सब ने आपको यही बताया होगा, मैं भी आपको यही बताता रहा हूँ, लेकिन 60% जिस चीज़ का रोल है वो आपको नहीं बताया गया। वो चीज़ है, वो आज मैं आपको बताऊँगा, वो है कब खाना है। आज की साइंस, आज की लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है, इस नतीजे पे पहुंची है कि क्या खाना है और कितना खाना है कि अपनी जगह पे अहमियत है, डेफिनेटली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहमियत इस बात की कि कब खाना है। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। टाइम को रिस्ट्रिक्ट करते हुए आप खाना खाइए। कितना खाना है, क्या खाना है, 4-5 चीज़ें हमेशा आप लोगों ने डिस्कस की, उसका ख्याल कीजिए। 4-5 पॉइजन है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल लीजिए अगर आपने मेटाबॉलिक हेल्थ होना है। उसके अंदर नंबर 1 पे चीनी आती है, नंबर 2 पे कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी आते हैं, और नंबर 3 पे मैदा आता है, नंबर 4 के ऊपर चिकन आता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 5 के ऊपर केमिकल्स आते हैं जो हमारे फूड सिस्टम में शामिल हैं, जो हमारे खुराक में केमिकल्स अवेलेबल हैं। जो हम कोई भी प्रोसेस्ड पैकेट की चीज़ बाहर से खाते हैं उसके अंदर जो केमिकल डले होते हैं, ये 5 चीज़ें, ये क्या और कितने के अंदर शामिल हैं। और लेकिन वो जो एलिमेंट, ज़्यादा अगर हम बात करें कि कब खाना है, जिसका 60% वेट है, तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के अंदर 24 घंटे अल्लाह ने बनाए हैं, 8 घंटे की विंडो रखी है खाने की, और 16 घंटे ना खाइए, अपने पेट को खाली रखें या अपने मुंह को रोक के रखें, पेट तो खाली नहीं होगा, मुंह को रोके। जो हम खाना खाते हैं 8 घंटे, तो वो सिर्फ मेदे में और आंतों में लगाता है हजम होने को, 8 घंटे वो खाना, ये आधा पार्ट है,
8 घंटे वो लीवर में जाके 8 घंटे वो हमारे मेटाबोलाइज होता है, तो 15-16 घंटे तो इस खाने को इस्तेमाल होने में लगते हैं। हम थोड़ा थोड़ा बाद में डाल देते हैं। रिसर्च ये कहती है कि ऑन एन एवरेज लोग तकरीबन 16-18 घंटे तक उनका मुँह चलता रहता है। कुछ खा लिया 10 मिनट बाद कुछ और फ्रिज खोली, कुछ खा लिया बाहर नज़र आया आधे घंटे बाद कुछ और मुँह में डाल लिया। ये एक बुनियादी वजह है, बॉडी सारी बिजी रहती है उसको इस्तेमाल करने में और अपनी रिपेयरिंग और अपनी जो मेंटेनेंस है उसका बॉडी को टाइम नहीं मिलता अगर आप करना चाहते हैं। दूसरा काम आप ये कीजिए, एक मैंने आपको स्टडी कही है वो कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए लोगों की और देखिए कितने लोग मेटाबॉलिक हेल्थी और अनहेल्दी हैं। और दूसरा काम आप ये कीजिए कि आप आज से अपने आप को टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के ऊपर लगा लीजिए। सुबह अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया है पहले नंबर पर, 10 दिन के लिए आप 10 घंटे खाना खाएं और बाकी 14 घंटे आप ना खाएं। एक हफ्ता ये प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी, फिर आप 8 घंटे के ऊपर आ जाइएगा। अगर आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया तो फिलहाल आप रात को शाम का 6 बजे खाना खा लें, इस दौरान में खाएं, लेकिन उसके बाद सिर्फ पानी पिए, खाएं कुछ ना, 10 दिन में आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी। उसके बाद आप 8 घंटे पर ले आइए। सुबह अगर 8 बजे आपने नाश्ता किया है तो आप शाम को 4 बजे आप शाम का खाना, या 9 बजे अगर आपने नाश्ता किया है तो आप 5 बजे खाना खा लीजिए। दो खाने के ऊपर आप लेके आइए, आप देखेंगे कि आपके इस बढ़ते हुए वेट के अंदर या आपकी अगर ओवर वेट है तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फ़र्क है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये मैंने आपको बताया, उन चीज़ें अवॉइड कीजिए, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग को आप अडॉप्ट कीजिए। ये साबित शुदा है, ये रिसर्च बेस्ड है, ये प्रूवन है, ये इल्म है, ये जस्ट जज्बाती जस्ट सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे। मैं जस्ट कंक्लूड करूँगा, ये क्राइसिस है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है दी जा रही है नॉन साइंटिफिक है, नॉन सेंस है, कमर्शियली ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है। वो सारा कोरोना से बचने के लिए कहा जाता है जिनके पीछे कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मास्क खरीदें पैसा लगाएं, सैनिटाइजर खरीदें पैसा लगाएं, वैक्सीन लगवाएं पैसा लगाएं, लेकिन हम नेचर की बात कर रहे हैं। आप नेचर को फितरत के ऊपर रहते हुए अगर अपनी ज़िंदगी को उसमें ढालें, जो चीज़ें बताते हैं बना रहे हैं उसमें अमल करें, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, आपकी इम्यून हेल्थ भी स्ट्रांग होगी, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ भी स्ट्रांग होगी। आज की दुनिया के जो किलर्स हैं, हार्ट अटैक, फालज, शुगर, कैंसर, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और ये वायरस बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन इंशाल्लाह ताला आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए भेजा गया है। हमारे बाओ अजदाद करोड़ों सालों से लाखों सालों से सर्वाइव करते आ रहे हैं इस सूरज में, तमाम जानदार तमाम जानवर सर्वाइव कर रहे हैं और हम यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए हैं, ना कि हमें डरने और डराने के लिए हम दुनिया में भेजे गए हैं। इस वायरस से डर जाओ, इस बैक्टीरिया से डर जाओ, घर में छुप जाओ, मास्क लगा लो, ये अननेचुरल है और खुदा पे भरोसा रखिए, नेचर को अडॉप्ट कीजिए, जो नेचर के अगेंस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे अवॉइड कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।